जय हिंद देवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। काफ़ी चैनल्स पे आपको बताया भी गया होगा और हमारा पार्ट अधूरा रह गया था, इसलिए हम भी आज इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। फिलहाल MOVOS 3 की बात करेंगे हम लोग। का ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 22 तारीख को रिलीज़ होगा। काफ़ी एक्साइटिंग फ़ीचर्स आने वाले हैं। पहले से ही काफ़ी फ़ीचर्स आ चुके हैं, लेकिन GPS के जितने भी फ़ीचर्स हैं, चाहे वो जियो फेंसिंग हो, चाहे वो जियो टैगिंग हो, या फिर आपकी स्पीड लिमिट करने का कोई भी फेंसिंग अलर्ट हो, आपको ये फीचर अभी नहीं मिलने वाले। ये शायद MOVOS 4.0 में आए, 3.0 में इनका सपोर्ट नहीं है। 3.0 में जो भी आपको मिलेगा, चलिए फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट जो इसमें आएगा वो होगा प्रॉक्सिमिटी लॉक का। जी हाँ, आप स्कूटर के पास जाएंगे, स्कूटर अपने आप अनलॉक हो जाएगा। स्कूटर से कुछ दूरी पर आएंगे तो अपने आप लॉक हो जाएगा। आप इस फीचर को इनकी ऐप के थ्रू इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि आपकी ओला इलेक्ट्रिक ऐप को भी अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरा फीचर दोस्तों हमारा आने वाला है ऑटो ब्राइटनेस का। पहले आप चाहेंगे तो इसको ऑटो ब्राइटनेस पर रख सकते हैं, आपको डार्क या लाइट थीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने नेक्स्ट फीचर की बात करें तो आने वाला है पार्टी मोड, जो आपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्यूचर फैक्ट्री विजिट जब हुई थी तब देखा होगा इसका वीडियो। म्यूज़िक को सिंक किया गया था इसकी हेलो लैम्प से, और इसकी हेलो लैम्प बहुत अच्छी तरीके से ब्लिंक कर रही थी, और आपने ये देखा भी होगा इनकी जो फ्यूचर फैक्ट्री के वीडियोज़ आए थे उनमें। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, 3 मोड्स आपको मिलेंगे, इसके साथ कस्टमाइज साउंड्स होंगे जो आर्टिफिशियल आपको IC बाइक्स की फील दिलाएंगे। 3.0 में आपको 3 ऐसे मोड्स मिलेंगे जिसमें आर्टिफिशियल साउंड्स आएंगे IC बाइक के। इसमें विंटेज, बोल्ट और इक्लिप्स नाम के 3 मोड होंगे जिसमें अपना अपना साउंड होगा। आप अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। जो भी थीम आप लगाएंगे, यानी जो भी मोड आप चूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग साउंड आएगा। आप चाहें तो साउंड को डिसेबल भी कर सकते हैं, आपका इसका ऑप्शन दिया जाएगा ओला इलेक्ट्रिक का जो डैशबोर्ड है उसी में। इसके बाद बात करते हैं लाइट्स की। अब 3 तरीके की लाइट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। 3 फंक्शंस होंगे लाइट्स के। हज़ार्ड लाइट्स होंगी जो इंडिकेटर पीछे और आगे के जो होते हैं वो ब्लिंक कराती रहेंगी। आप इस देखिए, हज़ार्ड लाइट को आपको जो ऑन करना है वो 2 सेकंड तक आप किसी भी इंडिकेटर को टच रखेंगे तो वो ऑन हो जाएगी। आपको प्रेस करके रखना है 2 सेकंड तक किसी भी इंडिकेटर बटन को, यानी कि टर्न इंडिकेटर बटन को, और हज़ार्ड लाइट्स जो थी वो ऑन हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आती है आपकी स्मार्ट हेडलैम्प, यानी कि ये आपकी जो ऑटो हाई बीम ऑन हो जाया करेगी शाम को, और सुबह से पहले अब वो अपने आप ऑफ हो जाया करेगी। यानी कि आपको रात ही रात में आपको ऑटो हेडलैम्प देखने को मिलेगी हाई बीम में। लो बीम तो दोस्तों जलती ही रहेगी, लेकिन हाई बीम को इन्होंने स्मार्ट हेडलैम्प का एक टैग दे दिया है जिसके तहत ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद में आती है आपकी हेलो लैम्प। जब भी आप गाड़ी को ऑन करेंगे तो आपको ये फीचर देखने को मिलेगा कि गाड़ी की हेलो लैम्प है वो एक बार जल जाएगी, और उसको आप चाहें तो बाद में डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस सिस्टम को इनेबल कर सकते हैं कि जब भी आप गाड़ी अनलॉक करें तो आपकी हेलो लैम्प ऑन हो जाए ऑटोमेटिक। तो अपना नेक्स्ट फीचर होगा दोस्तों रीजन मोड्स, जो आपको देखने को मिलेंगे 3 फॉर्म में, एक लाइट रीजन, एक मीडियम रीजन, एक हाई रीजन। रीजन की कैपेसिटी आपको ये दिखाएगी कि कितना हार्ड आप ब्रेकिंग लगाते हैं, यानी कि एक्सेलेटर को जब उल्टा करेंगे तो कितनी हार्डली आपकी जो रीजन की ब्रेक्स हैं वो लगेंगी। जितनी ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर रुकेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपकी बैटरी को वापस चार्ज करने में मोटर आपकी अपनी काइनेटिक एनर्जी को दान करेगी। ऐसे जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी गाड़ी की वो यूज़ हो सकेगी आपकी गाड़ी में बैटरी को वापस चार्ज करने के लिए। इसके बाद स्कूटर का वाईफाई भी इनेबल कर दिया जाएगा। अगर आपके घर में वाईफाई है तो आप स्कूटर को उससे कनेक्ट कर पाएंगे, और जितने भी क्लाउड नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिलते हैं वो आसानी से मिलने लगेंगे। अगर आपकी गाड़ी कहीं अंदर खड़ी हुई है जहाँ पे आपको क्लाउड सर्वर का एरर आ रहा है या डेटा अपलोड नहीं हो पा रहा है उनके सर्वर पे, तो ये भी शायद फीचर आपको इसी से इनेबल करके मिल जाए वाईफाई का। तो अब बात करते हैं दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक की ऐप भी आपको मालूम है, जैसा कि वो भी अपडेट होने वाली है, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी एक सेक्शन मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी लॉक का भी एक सेक्शन मिलेगा। दोस्तों जब भी हम अपनी बैटरी को छोड़ के जाना चाहते हैं, यानी कि वैकेशन पर जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती है क्या इतने दिन इसकी बैटरी सर्वाइव कर पाएगी। तो दोस्तों इसका जो हल है ओला ने अब दे दिया है। वैकेशन मोड आपको MOVOS 3.0 में देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप चाहें तो अपने स्कूटर में वैकेशन मोड को ऑन कीजिए और आराम से चिंता छोड़ दीजिए सारी और अपने वैकेशन पे चाहिए। आप लोगों का इसका इंतजार था, काफ़ी दिनों के लिए हम लोग गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, यूज़ नहीं होती है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी था और ओला ने इसे कंसिडर किया, ये भी अच्छी बात है।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे फीचर अच्छे लगेंगे और आप जब ये OS के फीचर आएंगे आपको एक एक करके मिलने लगेंगे। 22 तारीख से हो सकता है इसको रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन आगामी 10-15 दिनों में ही सबको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे फीचर्स पसंद आएंगे, आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर और भी स्मार्ट हो जाएगा। और इसी स्मार्टनेस को जारी रखने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, कर दें और शेयर भी कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका स्कूटर स्मार्ट हो जाए। जय हिंद व्यूअर्स।